always do it on my own, so I gotta get through. Everything I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I find the proof. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. तेरह जुगे उड़े सतु वापस। अब देखो पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, सबसे पहले तो उसको शाउट आउट देंगे और लिस्ट आपके सामने। तो एक्स्ट्रा एक बिग शॉट आउट गेमर से, तो बिग शॉट आउट आदित्य रॉय, बिग शॉट आउट एंड कुमारी हुए था बिग शॉट आउट ब्रो। अब देखो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। अब देखो रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो दोनों ही फ़ोन आए हुए हैं, लेकिन रियलमी 6 प्रो उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब उसी के सामने अगर हम लोग देखें तो पोको एक्स 2 कम प्राइस में आप लोगों को ज़्यादा प्राइस मतलब ज़्यादा फीचर्स दे रहा है, ठीक है। अभी गाइस दो और फ़ोन आने वाले जो कि मैं आप लोगों को शायद रिकमेंडेड कर सकूं क्योंकि वो एग्रेसिव प्राइस पे आने वाले हैं। यस गाइस, रेडमी नोट 9 प्रो एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। तो उसकी सारी चीज़ें जो है वो 12 तारीख को मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या चीज़ें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और कंपेरिजन भी हम लोग करेंगे कि 6 प्रो अच्छा है या रेडमी नोट 9 प्रो या 9 प्रो मैक्स अच्छा है, सारी चीज़ें बता दूंगा आप लोगों को। तो तब तक वेट करना। अब देखो यार ये गेम प्ले ना वो मतलब सीज़न 11 का क्या ही खतरनाक गेम प्ले था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हम लोगों ने खेला है और इतनी फाइट हुई ना मतलब बहुत मज़ा आया। देखा नोव वाले स्कोट को तो हम लोग फटाक से धर देते हैं और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं नोव के ब्रिज से, और जैसे इधर आते हैं ना इन बंदों की फाइट चल रही थी। अब ये बंदा कैसे नोव होता है आप लोग बस देखियो, मतलब ये गन से नोक नहीं होता बट देखो मतलब पता ना मेरे को कैसे नोक हुआ है, गाड़ी ठोकी शेक पे और बंदा डायरेक्ट नोक, मतलब गजब भाई। देखो ये बंदा नोक हो चुका था बट ये बंदा किसी से फाइट कर रहा था, तो इसको फिनिश करते हैं हम लोग को। वो बंदा भी दिख जाता है जो कि सामने से फाइट कर रहा था। अब यहाँ से तो ये हम लोग को दिखने से रहा क्योंकि फोग भी था, तो हम लोग जो है सीधा गाड़ी निकालते हैं क्योंकि उनको रुकना नहीं था, बस जहाँ बंदा दिखे ना गाड़ी लगाई उधर। देखा वो बंदा इधर चुप कर बैठा था। और जैसे ही फायर करता है बंदा खत्म। देखा उस बंदे को धरने के बाद हम लोग जो है गाड़ी में फ्यूल नहीं था तो इधर की साइड आते हैं, और अच्छा हुआ इधर ही हम लोग को और बंदे भी मिल जाते हैं। अब उन दो स्क्वाड की फाइट चल रही थी तो एक को मैं नॉक कर देता हूँ और सामने वाला ऊपर रहता है तो जिसको उसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। PCS मेरे को फुट स्टेप सुनाई देता है और बोट भाई। अब बोट को जैसे ही ख़त्म किया सामने वो बंदे थे, उसमें से जो एक बंदे को हम लोगों ने जैसे ही ख़त्म कर दिया उसका एक बंदा भाई देखना कैसे निकल लेता है। अब जैसे ही हम लोग गाड़ी लेके रश किया ना, उसका जो बंदा बचा था उसने भाई समझ लिया कि भाई समझदारी में ही सब भलाई है, तो वो बंदा जो है गाड़ी लेके निकल जाता है। अभी इस बंदे पे हम लोग फायर कर ही रहे थे, अभी इस बंदे को हम लोग देख ही रहे थे कि इतने में एक और स्कोड आ जाती है, मतलब स्कोड के दो बंदे आ जाते हैं और उसको भी धर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर सब मिला के बहुत मज़ा आया हम लोगों। अब यहाँ पर सब ख़त्म हो गया था तो हम लोग जो गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं दूसरे बंदे की साइड में। देखा जैसे गाड़ी निकाली वापिस से वही चीज़, उधर ही और बंदे हम लोग को दिख जाते हैं। अब जीवन ने एक को नॉक कर दिया था तो अभी डायरेक्ट घुसाने की बारी थी। अब इधर रहते दो बंदे तो हम लोग जो पहले तो एक दो नेट कर लेते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। अब रहते टोटल इधर दो बंदे लेकिन जीवन जो है वो डायरेक्ट घुस जाता है भाई। तो बंदा तो उन फायर के बाद वो बंदे हो जाते हैं ख़त्म।
अब यार जैसे मैं इधर से गाड़ी निकालता हूँ और देखते हैं भाई स्कोडा उस पर कोई दिखता है कि नहीं दिखता, लेकिन स्कोडा उस पर मेरे को एक बाइक पड़ी हुई दिख जाती है और मैं समझ गया था कि इधर बंदा रहेगा। अब देखो यार इधर बंदा था वो तो कन्फर्म था, तो मैं सोचता हूँ भाई देखते हैं भाई क्या बंदा कैंपिंग में भी कर रहा होगा, तो पहले ही नेट डाल देते हैं। तो दो नेट डालता हूँ और अब मेरे टीममेट का नेट देखियो ज़रा। अब ये नेट क्या खतरनाक नेट था भाई, अगर ये बंदे का ध्यान सही रहता ना तो शायद ये मेरे को नॉक भी कर देता। तो इस बंदे को भी हम लोग बचा देते हैं और उसके बाद आते हैं हम लोग इस जगह पे। अब इस कोड हाउस पे हम लोग को जीप पड़ी हुई दिखी थी क्योंकि इधर पहले ही फायर हुआ था, तो हम लोग इधर आ जाते हैं और ये नेट तो भाई मैं मिस कर देता हूँ। देखो सामने वाले घर पे रहता है एक बंदा जो कि मेरे को पता नहीं था, बट हम लोग ऐसे ही नेट वेट कर रहे थे कि शायद उतर ही होगा, लेकिन जैसे ही उतर रहता हूँ फुटस्टेप सुनाई देता है। अब वो बंदा नॉक करता है तो मेरे करते लगता है वो पीछे शायद उतर रहा, बट उधर से ही नॉक करता है तो मैं जो है घुस जाता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर फ्री फायर करता तो शायद मैं बच जाता, बट कोई नहीं भाई टीम का सपोर्ट था पीछे तो बस अंधा ही घुसना था। अब देखो यार इधर हो जाती है थर्ड पार्टी हम लोगों पर। सामने जो एक AW वाला बंदा रहता है जो कि क्या ही गंदा मार रहा था, अब वो हमारे टीममेट को नॉक करके पूरा ही फिनिश कर देता है। तो उसके बाद जो है गाइस हम लोग वेट नहीं करते और सीधे में जो गाड़ी निकालते हो उस पर सीधा घुसाने के लिए। अब ये नहीं पता था कितने बंदे क्या है, बस उधर जाना था। अब वो बंदा मेरे को पत्थर के पीछे मतलब स्पॉट हो चुका था, बट मैं जो उतरता नहीं हूँ और गाड़ी को मारता हूँ, पहले कवर लेंगे उसके बाद उसको बचाएंगे। तो ये जीवन को नॉक कर देता है, बट इधर बचाने की बारी मेरी थी क्योंकि जीवन ने पहले ही मेरे को एक बार सेव किया था। सो इधर इसको ख़त्म कर देते हैं और बचते अभी दो बंदे। अब एक बंदे को तो भाई जीवन घर के ऊपर चढ़ के एक बंदे को फिनिश कर देता है। अब बचा था एक बंदा क्योंकि भाई बहुत ढूंढा हम लोगों ने। अब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था तो हम लोग इधर रुक जाते हैं और तीन लोगों के पास ज़रा सा पेट्रोल बच रहा है, मतलब दूसरी गाड़ी पर लेके वापस। अब हम लोग पहुँचे उतने में तो बंदा ख़त्म। तो आई होप यार वीडियो सही लगा, सही लगा ना भाई तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मेक श्योर मैं मिलता हूँ।